अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्लास 11 पहला यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री का पार्ट है और क्लास 12 यूनिट सेकंड सॉल्यूशन का पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, और उसके अलावा लैब्स में भी ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में कंसेंट्रेशन का क्या मतलब है। मैं आपको इस तरह बता दूं कि फर्स्ट कर लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का अगर हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी ले लें, फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड अमाउंट ये फिक्स्ड अमाउंट का मतलब समझते हो ना, किसका लेना है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ले लो। जैसे फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है फर्स्ट एक लीटर ले लो, एक केजी ले लो, एक मोल ले लो, एक ग्राम ले लो। इस फिक्स्ड इस सॉल्यूशन की एक फिक्स्ड क्वांटिटी में, फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा, सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा उस क्वांटिटी को हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कह सकते हैं। या और एक तरीका भी है, अगर हम क्या कह रहे हैं, जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिजॉल्व्ड है उसको भी हम इस सॉल्यूशन की क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह सकते हैं। तो कंसंट्रेशन की डिफिनेशन हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहां पे हमने लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करके, जैसे इन टर्म्स ऑफ ग्राम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मनी मोल। इसी तरह यहाँ पे जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो भी हम डिफरेंट यूनिट्स में ले सकते हैं। फर्स्ट कर लो फिक्स्ड अमाउंट अगर हम ले लें 1 ग्राम ले लें वो फिक्स्ड अमाउंट है, या फर्स्ट कर लो 1 किलोग्राम ले लें वो भी फिक्स्ड अमाउंट मान सकते हैं हम, 1 लीटर ले लोगे वो भी फिक्स्ड अमाउंट है, 1 ग्राम ले लोगे वो भी फिक्स्ड, 1 मोल ले लोगे वो भी फिक्स्ड अमाउंट है, और इस तरह बहुत सारा। तो कहने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यूनिट्स हैं, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो नेचुरल बात है कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आने वाले हैं, तो उन्हीं मेथड्स को हम जनरली कहते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में बहुत सारे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन आपको पढ़ना है, तो उसमें से सबसे पहला यूनिट जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को जनरली हम W/W भी लिखते हैं। मास परसेंटेज का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो यही समझ लो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के बेसिस पे समझा दूं कि फर्स्ट कर लो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में फर्स्ट कर लो 2 कंपोनेंट्स है, एक ए है दूसरा बी है। अगर आप इस सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स ले लोगे, 100 पार्ट्स बाय मास लेना है, 100 पार्ट्स बाय मास, फर्स्ट कर लो 100 ग्राम ले लिया है ना, या 100 मिलीग्राम ले लिया, यानी 100 पार्ट्स बाय मास ले लिया। तो इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन में कुछ पार्ट्स ए के होंगे और कुछ पार्ट्स बी के होंगे, तो इन 100 पार्ट्स में से ए के जितने पार्ट्स हैं उसको हम कहेंगे ए का मास परसेंटेज,
और बी के जितने पार्ट्स हैं उसको हम कहेंगे बी का मास परसेंटेज। तो सिंपल डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना पार्ट है उसको हम उस कंपोनेंट का क्या कह सकते हैं, मास परसेंटेज इन द सॉल्यूशन। तो सिंपल डिफिनेशन हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मास परसेंटेज। और डियर स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज को जनरली हम मैथमेटिकली इस तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं, हम कह सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखना मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। इनटू 100 हो जाएगा। यानी आपको किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का कितना मास है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से और उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जिस तरह परसेंटेज निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट कर लो, हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है दूसरा बी है। फर्स्ट कर लो ए का जो मास है वो डब्ल्यू ए है और बी का मास डब्ल्यू बी है, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन तो सिंपल सी बात है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि बताओ इस सॉल्यूशन का में ए का मास परसेंटेज कितना होगा, बी का मास परसेंटेज कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल सी बात है आप कहोगे मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल क्या होगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इनटू 100। इसी तरह मास परसेंटेज ऑफ बी कहेगा तो आप कहोगे टोटल वेट ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, दैट्स डब्ल्यू बी डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो ये हो गया कि आप किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट वेरियस कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो जो नेक्स्ट यूनिट हमारा है वो है वैल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट यूनिट वैल्यूम परसेंटेज को जनरली हम V/V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और वैल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, सिंपल याद रख लेना कि जो सॉल्यूशन आपके पास है उसके अगर आप 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ले लोगे तो उन 100 पार्ट्स पे से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम है उसको हम उसका वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या रहेगा, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, यानी क्या हुआ, फिर वही हुआ ना कि आपने क्या किया, उस कंपोनेंट का कितना वॉल्यूम है उसको डिवाइड किया टोटल वॉल्यूम से इनटू 100। जहां पे पहले हम जहां मास इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे वॉल्यूम इस्तेमाल करना है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं दे दूं वैल्यू परसेंटेज के लिए कि फर्स्ट कर लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है दूसरा बी है। इसमें फर्स्ट कर लो ए का वॉल्यूम वी ए है और बी का वॉल्यूम वी बी है ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो जनरली आप कहोगे वी ए प्लस वी
मगर बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहां पे ऐसा होता नहीं है, वो बाद में आप डिस्कस कर लोगे। फिलहाल हम कंसिडर करते हैं कि इसका वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी है, तो क्या कहेंगे हम इसमें? यहाँ पे ए का वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ ए इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वी ए प्लस वी बी इनटू हैंड राइट। इसी तरह वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बी इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वी ए प्लस वी बी इनटू हैंड्रेड। तो ये हो गया कि आप किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर लोगे और कैसे एक्सप्रेस कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, वो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर बिलियन जिसको हम पीपीएम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। डियर स्टूडेंट्स, पहले जो दो यूनिट्स हमने डिस्कस किए जिसमें से एक को हमने कहा मास परसेंटेज और दूसरे को कहा वॉल्यूम परसेंटेज, ये दोनों यूनिट्स जनरली फार्मेसी में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा और एक यूनिट भी बार बार इस्तेमाल होता है, दैट्स वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज, तो वेट वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब है मैं आपको सिंपल बता दूं कि फर्स्ट करो जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके अगर आप 100 ml ले लोगे यानी 100 parts by volume ले लोगे, तो इन 100 parts by volume में सॉल्यूट का कितना मास है, सॉल्यूट का कितना मास है उसको हम कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इस यूनिट का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे लिक्विड जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा और जो सॉल्यूट होगा वो अगर सॉलिड होगा तो उस टाइम पे इस यूनिट का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको अगर कहे 20% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो 20% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि फर्स्ट कर लो उस सॉल्यूशन का अगर आप 100 ml ले लोगे, 100 ml ले लोगे तो 100 ml सॉल्यूशन में 10 grams किसके हैं? सोडियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों यूनिट्स जनरली मैंने कहा कि इस्तेमाल होते हैं फार्मेसी में, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। तो जो आज जो यूनिट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला नेक्स्ट जो यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन, इसका हम इस्तेमाल करते हैं जनरली उन सॉल्यूशंस की कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो पानी है उसमें ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट पानी में बहुत कम होगा तो उसकी क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन इस्तेमाल कर लेंगे। जो एटमोसफेयर है, एयर जिसको हम कहते हैं, एयर में नोबल गैस की कंसंट्रेशन काफी कम होगी तो उनकी कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या है, नाम से कुछ आइडिया आ रहा है ना, पार्ट्स पर मिलियन यानी मिलियन पार्ट्स में से कितना, मिलियन पार्ट्स समझते हो ना, 10^6 अगर जो सॉल्यूशन है उसके अगर आप मिलियन पार्ट्स ले लोगे यानी 10^6 पार्ट्स, ये ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास भी या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी ले सकते हो, है ना। यानी अगर आप किसी सॉल्यूशन के 10^ कितने 6 parts बाय मास ले लोगे या बाय वॉल्यूम ले लोगे तो इन 10^6 parts में से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट पर 10^6 parts यानी मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास और बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को जनरली हम कैसे एक्सप्रेस कर लेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल, हमेशा बराबर होगा क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस कर लेंगे तो हम लिखेंगे मास
of the component in the solution divided by total mass of the solution into 10 raised power क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा क्योंकि parts per million निकालना है. तो फर्स्ट सोलो अगर आपके पास मैं एग्जांपल ले दूं कि फर्स्ट सोलो एक दो बाइनरी एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, एक ए है दूसरा बी है. फर्स्ट सोलो यहां पे इसका मास डब्ल्यू ए है और इसका मास डब्ल्यू बी है. तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कैसे एक्सप्रेस कर लोगे, तो आप कहोगे मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास दैट्स डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इनटू 10 रेस पावर. क्या करना पड़ेगा इस पर 6 करना पड़ेगा. एंड सिमिलरली पार्ट्स पर मिलियन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे डब्ल्यू बी डिवाइड बाई टोटल डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 रेस पावर क्या 6. तो ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन क्या है और पार्ट्स पर मिलियन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, इसके बेस पे अगर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आपको इसी तरह के पूछेंगे कि फर्स्ट कलर एक सोल्यूशन है उसका हमने इतने ग्राम्स का सैंपल लिया था. फर्स्ट कलर बोलेंगे 250 ग्राम सैंपल लिया था तो बोलेंगे कि उसमें जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसका मास फर्स्ट कर लो 0.003 ग्राम था. बताओ इस कंपोनेंट का पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर लो तो क्या कर लोगे. सिंपल सी बात है, 0.003 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 250 क्योंकि 250 टोटल सैंपल का मास है इनटू क्या करना पड़ेगा 10 रे पावर 6. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आ गए 3 यूनिट्स आपके यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन के. तो डियर स्टूडेंट्स ये जो अब जो नए यूनिट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट्स ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं. तो उनमें से एक हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ यूनिट दैट्स मोलारिटी. मोलारिटी MOLARITY मोलारिटी. मोलारिटी को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलारिटी क्या है सिंपल बता रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेट कर लेना. इमेजिन कर लो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है ना. इस सॉल्यूशन का अगर हम एक लीटर ले लेंगे, एक लीटर सॉल्यूशन ले लिया, इस सॉल्यूशन के एक लीटर में, इस सॉल्यूशन के किसमें एक लीटर में सॉल्यूट का सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व होंगे, जितने मोल्स डिजॉल्व होंगे कि किसी सॉल्यूशन के एक लीटर में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व होंगे उसी को हम जनरली कहते हैं मोलारिटी. तो सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी. तो मोलारिटी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर लेंगे. मोलारिटी क्योंकि हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. मगर वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में लेना है. तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मगर किस में लेना है, लीटर में. यहां पे याद रखना NB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स. क्लियर. तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे NB नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमेशा बराबर होगा कि सॉल्यूट का कितना मास है, ग्राम में लेना है मोलर मास, ग्राम में उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस सब्सटेंस के मोलर मास से, वेट डिवाइड बाय मोलर मास या मास डिवाइड बाय मोलर मास हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है. मोल्स कांसेप्ट जब पढ़ रहे थे तो तब डिस्कस किया था. तो ये वैल्यू NB का ये वैल्यू यहां पे पुट कर लोगे तो हम ये लिख सकते हैं सो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेट या मास ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट
इनटू नीचे क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो ये फॉर्मूला आ गया आपको मोलारिटी के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में याद रखना कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर में इस्तेमाल किया गया है और लीटर सबको पता है बड़ा यूनिट है। लेबोरेटरीज में लीटर यूनिट आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, तो लेबोरेटरीज में जनरली हम मिलीलीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अब तो मिलीलीटर भी बड़ा यूनिट हो जाता है, चलो फिर भी हम बात कर लेते हैं मिलीलीटर की ही। तो मिलीलीटर अगर हम वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि हमें पता है मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे ग्राम ले लोगे तो आपको आएगी मोलारिटी, यानी मोलारिटी क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर मिलीग्राम, मिलीग्राम ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उन्हें से बता में तो लीटर ही निकालना है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं और करके मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू, क्योंकि यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो वॉल्यूम किस में ले लेंगे आप मिलीलीटर में। तो ये फॉर्मूला आ गया आपको मोलारिटी कैलकुलेट करने का। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। उन प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखने से पहले मोलारिटी के बारे में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स याद रखना, क्योंकि मोलारिटी बराबर हो रही है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को तो हम मोल में एक्सप्रेस कर लेंगे और वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं लीटर में, तो इसलिए मोलारिटी का जो कॉमनली यूज जो यूनिट होगा कॉमनली जिस यूनिट को हम इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा मोल पर लीटर। याद रखें ना मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी अगर 1 होगी तो उन सॉल्यूशंस को हम मोलर सॉल्यूशंस कहते हैं, मोलर सॉल्यूशंस कहते हैं। और तीसरा पॉइंट याद रखेगा डियर स्टूडेंट्स, जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज होगी। क्यों चेंज हो रही है मोलारिटी, सिंपल सी बात है, मोलारिटी किस पे डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पे। तो सबको पता है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी चेंज होगी। अब कभी कभी पूछा जाएगा कि फर्ज कर लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोलारिटी क्या होगी, तो सिंपल रिलेशन निकाल सकते हो, सबको पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम एंड मोलारिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलारिटी डिक्रीज, मोलारिटी डिक्रीज। तो याद रखना बेटा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मोलारिटी के बेसिस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर लो। एक तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे मोलारिटी के बेसिस पे इस तरह पूछे जाएंगे, आपको बोलेंगे कि किसी सॉल्यूशन को हमने कैसे बनाया वो लिखा होगा। आपको बोलेंगे कि फर्ज कर लो हमने 4 ग्राम किसी सबस्टेंट के, फर्ज कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पानी में डिजॉल्व करके उसकी सॉल्यूशन बना दी और उस सॉल्यूशन में और पानी ऐड करके फर्ज कर लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम उन्होंने 250 ml कर दिया, तो आपको बोलेंगे कि बताओ उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी। क्लियर है, यानी आपको बता रहा है वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है वो बताया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है वो भी बताया हुआ है ना, और आपको कह रहा है कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होगी। तो सिंपल निकाल सकते हो फॉर्मूला क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 2000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। क्लियर है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट बता रहा है खुद 4 इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, सबको पता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, प्लस कर लोगे तो हो जाएगा 40 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 250, ठीक है ना, तो 250 1 2 50 4
फोर वन जा फोर टेन जा, तो रह गया यहाँ पे फोर, यहाँ पे टेन, यानी फोर डिवाइड बाई टेन, फोर डिवाइड बाई टेन, तो हो जाएगा 0.4। तो पता चला है जो सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया था उन्होंने उसकी मोलारिटी कितनी है, 0.4। तो मोलारिटी 0.4 आने का क्या मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है अगर उसका आप एक लीटर लेते तो एक लीटर में 0.4 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के होते, 0.4 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के होते। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक तरह का प्रॉब्लम जो आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और एक प्रॉब्लम जो आपको लेबोरेटरीज में भी जरूरत पड़ता है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जैसे फर्ज कर लो मैं आपको कहूं कि आपको किसी प्रैक्टिकल के लिए करने के लिए एक सॉल्यूशन की जरूरत है, फर्ज कर लो सॉल्यूशन आपको क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए जिसकी मोलारिटी फर्ज कर लो 0.5 चाहिए, मोलारिटी कितनी होनी चाहिए 0.5, और वॉल्यूम जो इस्तेमाल हो रहा है वो फर्ज कर लो 500 ml इस्तेमाल हो रहा है, 500 ml जरूरत पड़ने वाला है आपको, है ना। फर्ज कर लो जो सबस्टेंस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपको सोल्यूशन बनानी है जिसका वॉल्यूम होना चाहिए 250 ml और मोलारिटी होनी चाहिए 0.5। तो ये सोल्यूशन आप कैसे बनाओगे, ये सोल्यूशन कैसे बनाओगे? तो डियर स्टूडेंट, इस सोल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 0.5 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए ऑफ वॉल्यूम कितना 500 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास आपको जरूरत पड़ने वाला है वो निकालना है आपको, है ना। तो उसके बाद सोल्यूशन बनाना मुश्किल नहीं होगा। कैसे करोगे, देखो अभी हमने फॉर्मूला कहा था मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में एक्सप्रेस करना है ग्राम में, इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन मिली लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना वॉल्यूम चाहिए वो उन्होंने बताया है, दैट्स 500। वेट हमें पता नहीं है, मोलारिटी हमें पता है, मालिक मोलर मास इसका फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन में इसी इक्वेशन से कर सकते हैं। मोलारिटी होनी चाहिए 0.5 इज इक्वल टू वेट, हमें पता नहीं है इस तरह रख लेते हैं, इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी कैलकुलेट किया था कितना आया था 40, इनटू क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 500 ml, क्लियर है। तो काटेंगे 500 वन जा 500, 500 टू जा 2, 1 जा 2, 220 जा, तो क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 0.5, यहाँ पे रह गया 20, और ये तो इसको इक्वल टू यहाँ पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.5 इंटू 20 इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया डब्ल्यू बी, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 जीरो। तो एक डिजिट के बाद आपको डिसिमल लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा ये 10 ग्राम, है ना। तो पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूशन आपको बनाना था ऑफ मोलारिटी 0.5 वॉल्यूम कितना 500, उसके लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम चाहिए 10 ग्राम। तो क्या कर लोगे, आपके पास लेबोरेटरी में मेजरिंग फ्लास्क होगा कुछ इस तरह का, है ना। तो वहां पे मार्क दिया होगा कि फिर हमें यहाँ पे 500 बनाना है, तो 500 वाला मेजरिंग फ्लास्क आपको लेना पड़ेगा। उसमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत पानी ऐड करके यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद और पानी ऐड करके इस सॉल्यूशन को अप टू क्या करना है 500 ml मार्क तक करना है। तो वही सॉल्यूशन बन गई जो आपको जरूरत थी। तो ये हो गए कि मोलारिटी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछे जाएंगे आपको एग्जाम्स में उनको आप कैसे सॉल्व कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो नेक्स्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फिफ्थ, वो है मोलालिटी, MOLALITY, मोलालिटी। ये मोलारिटी है, ये मोलालिटी है, इन दोनों में डिफरेंस याद रख लेना। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सिंबल एम से,
तो डियर स्टूडेंट्स, मोलारिटी और मोलालिटी बहुत दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। मोलालिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं मोलालिटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मोलालिटी को आप इस तरह समझ सकते हो कि फर्स्ट कर लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के एक केजी सॉल्वेंट में, याद रख लेना, एक केजी किसमें? सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल्स डिजॉल्व है उसको हम मोलालिटी कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। MOLALITY है, मोलालिटी। तो मोलालिटी को आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे कर लोगे? मोलालिटी को हम लिख सकते हैं इस तरह, मोलालिटी बराबर हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मैं यहां पे एस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मगर किस में लेना है सॉल्वेंट को? किलोग्राम में लेना है। यहां पे रख लेना एनबी, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था, एनबी यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और WA जो है वो क्या है? वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट, मगर किसमें? इन किलोग्राम में। क्लियर है? तो एनबी क्या होता है सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो हमेशा बराबर होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो हम ये ले सकते हैं इस इक्वेशन को, इस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, पहले ही डिस्कस किया था, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास होता है। तो ये यहां पे पुट कर लोगे तो हमें आ जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। मगर अभी भी किसमें लिया है हमने? केजी में। अब केजी सबको पता है बहुत बड़ा यूनिट है, तो इस वजह से हम लेबोरेटरीज में इस्तेमाल इसका भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वेट को हम जनरली ग्राम में लेते हैं। तो अगर हमें पता है कि मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, अगर हम यहाँ पे ग्राम ले लेंगे तो नेचुरल बात है क्या करना पड़ेगा, मोलालिटी इस क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं और करके, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एमबी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर अब किस में लेना है, क्योंकि यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब किस में लेना है? ग्राम में। तो ये फॉर्मूला आ गया आपको किसके लिए? मोलालिटी के लिए। यानी मोलालिटी बराबर हो रही है वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बी सॉल्यूट के लिए, याद रख लेना, मगर किस में है यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मोलालिटी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेना। सबसे पहला पॉइंट, जो मोलालिटी, क्योंकि वो बराबर हो रही है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट, तो नंबर ऑफ मोल्स को तो मोल में एक्सप्रेस कर लेंगे, वेट को किस में एक्सप्रेस करेंगे? केजी में। तो इसका कॉमनली यूज्ड यूनिट या एसआई यूनिट भी वही है, एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी इस कितना रहेगा, क्या रहेगा? मोल पर केजी रहेगा इसका एसआई यूनिट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 होगी तो उसको हम कहते हैं मोलल सॉल्यूशंस कहेंगे। और तीसरा पॉइंट याद रख लेना कि मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला नहीं है। मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मोलालिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वेट्स पे। और सबको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने की वजह से वेट में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलालिटी और मोलालिटी में तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो आपको पता चल गए होंगे कि मोलालिटी है नंबर ऑफ, मोलालिटी थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना,
एक तो लीटर सॉल्यूशन है ना, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट, ये मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती थी, मगर मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो इसके बेसिस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स और बाकी जो यूनिट्स बच गए, जैसे मोल फ्रैक्शन बच गया, फॉर्मेलिटी बच गई, नॉर्मलिटी बच गई, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।